आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर जो 28 तारीख को हुआ था उसकी पहली शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच में इंग्लैंड को जीतने के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। पहले 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, अगले 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 8.5 हो गया, अगले 10 ओवर में 5.5 हो गया और अगले 10 ओवर में 7 हो गया। तो अब मैच जीतने के लिए हमें किस औसत स्कोर रेट की ज़रूरत है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 48 ओवर हैं और उसमें मैच जीतने के लिए हमें 324 रन चाहिए। तो 48 ओवर में हमें 324 रन चाहिए। पहले 10 ओवर में जो औसत स्कोरिंग रेट था वो था 6, यानी कि हर ओवर में जो औसत रन थे वो 6 हो रहे थे, यानी कि 10 ओवर में कितने रन हो जाएंगे? 10 ओवर में हो जाएंगे 60 रन। ऐसे ही अगले 10 ओवर में जो हमारा औसत स्कोर रेट था वो था हमारा 8.5, यानी कि 10 ओवर में रन कितने हो गए? 85 रन। ऐसे ही अगले 10 ओवर में 5.5 यानी कि 55 रन, और अगले 10 ओवर में थे 7 यानी कि 70 रन। तो हमारे पास ये 40 ओवर हो गए और हमारे ये 60 और 85 145 प्लस 55 270। तो यहाँ पर हमारे 40 ओवर हो गए और 40 ओवर में हमारे 270 रन हो गए। हमारे पास कितने ओवर और बचे हैं? 8 ओवर हमारे पास और बचे हैं। अब मैच जीतने के लिए हमें 324 रन चाहिए, हमारे 270 रन हो चुके हैं यानी कि 324 में से। तो हमारे पास अब 54 रन बचे, यानी कि हमें 8 ओवर में 54 रन बनाने हैं। तो एक ओवर में हमारा औसत स्कोर क्या होना चाहिए? तो एक ओवर के लिए 54/8, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, काटेंगे तो 6.75, यानी कि जो एक ओवर में औसत स्कोर रेट हमारा होना चाहिए वो 6.75 होना चाहिए। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन बी नंबर है वो हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये अवरोही क्रम में इनमें से कौन सा है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो हमारे पास तीन भिन्न जो फ्रैक्शन हैं उनको सबसे पहले लिख लेते हैं। पहला है हमारा 5/8, अगला है 9/13 और अगला है 11/17। ठीक है, तो सबसे पहले इनको आरोही अवरोही में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे तीनों जो हमारे डिनोमिनेटर हैं है ना, उनका हम एलसीएम लेंगे। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा यही एलसीएम आएगा कि 8 × 13 × 17, यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। मैंने गुणा नहीं किया, मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ है ना। तो जब हम यहाँ पे ये एलसीएम बनाएंगे तो हमें यहाँ पर 8 तो पहले से है, हमें 13 और 17 का इसमें गुणा करना होगा, यानी कि हम ऊपर नीचे 13 और 17 का गुणा करेंगे। तो 5 में 13 × 17, नीचे भी 8 13 17। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13 पहले से है, यानी कि हमें यहाँ पर एलसीएम बनाने के लिए 8 और 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम बनाने के लिए यहाँ 17 पहले से है, तो यहाँ पर 8 और 13 से करेंगे, यानी 11 × 8 × 13 / 17 × 8 = 13। ठीक, अब देखिए तीनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम सेम हो गया जो हमारा एलसीएम आया था। अब हम पहले इनका गुणा कर लेते हैं। जब इनका हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1105 ऊपर वाले का, और इसका गुणा करेंगे तब आएगा 1224, और जब इसका करेंगे तो आएगा हमारा 1144। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 1224, उससे छोटा ये और उससे छोटा ये, यानी जो हमारा ऑर्डर होगा वो सबसे पहले आएगा ये 9/13, फिर आएगा हमारा ये 11/17 और फिर आएगा 5/8। तो ये ऑर्डर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, और इसको करने से पहले सबसे पहले हम इसके जो पॉइंट हैं वो हटा लेते हैं। तो पहले यहाँ से पॉइंट हम सारा संख्या बना लेंगे। यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर तीन संख्याएँ, यानी कि यहाँ पर 3 0 आएंगे, यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 4 0 आएंगे। अभी देखिए 3 0 3 0 कट जाएंगे, ऊपर 1 0 रह जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 810/64। ऐसे ही यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये इधर नीचे 3 0 आएंगे, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 आएंगे, यहाँ से ये 2 0 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 484/250 इंटू में, देखिए यहाँ पर तो दोनों सेम सेम है, यानी ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 25/211। देखिए इस 0 से ये वाला भी 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा 81/64 × 484/25 इंटू में 25/211। अब देखिए यहाँ पर ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं सिवाय इसके, ये 211 हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है, बाकी सब पूर्ण वर्ग हैं, यानी कि इन सबको हम जब
स्क्वायर रूट से हमें इसका वर्गमूल ही तो निकालना है, तो जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे इन सबको, तो 81 किसका होता है 9 का, और 64 हमारा 8 का होता है, इंटू में 484 22 का वर्ग होता है, और 25 यहाँ पर सॉरी 625 है ये, तो 625 किसका होता है 25 का, इंटू में ये 25 5 का होता है, लेकिन 211 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 211 यानी कि 15 का वर्ग कितना होता है 225, तो ये 211 है यानी कि इसका अप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगा यहाँ पर 14.5 का ये वर्ग हो जाएगा 211। ठीक है, सीधे पूरा पूरा तो नहीं होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये हमारा 14.5 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लगा देंगे, ये 25 दूनी 50, इसको 2 से काट देंगे, ये 2 से, तो यहाँ से ये यह हो जाएगा 99 अपॉन में, इसका 2 में इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 092, यानी कि ये आंसर आ गया। अब जब इसका हम इसमें भाग देंगे 290 का, 99 में भाग देते हैं, पॉइंट आकर 0 बढ़ा लेंगे। अब जी यहाँ पर हम 3 मान लें तो 3 9, और वो तो 1200 चार बार ज़्यादा हो जाएगा यानी कि 3 बार। अब हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, देखिए ऑप्शन में 0.3 का केवल एक ही ऑप्शन है जो कि ये ऑप्शन नंबर बी 0.34, और यही हमारा आंसर सही है, अगर आप भाग दे के भी देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आगे करने की जरूरत नहीं है, जब हमारा 0.3 आ रहा है और 0.3 का एक ही ऑप्शन है सवाल में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जब जब भी पावर माइनस की होती है, आप लोगों को पता होगा, तो उसको प्लस का करने के लिए हम उसको पलट देते हैं, हम उसको पलट के लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 8 इनवर्स यानी कि 1/8 हो जाएगा, ये माइनस में ये 9 इनवर्स है यानी कि 1/9 का होल इनवर्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 4 इनवर्स है यानी कि प्लस करेंगे तो 1/4 माइनस ये भी 1/9 का होल इनवर्स। अब सबसे पहले हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 72, यहाँ जाएगा 9 माइनस 8 इसका होल इनवर्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 36, 9 माइनस 4 का होल इनवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/72 का होल इनवर्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा 5/36 का होल इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, तो इसको पलट लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 72 डिवाइडेड बाई इसको करेंगे तो ये आएगा 36/5। अब बोडमास का रूल आपने पढ़ा होगा, जब हम किसी संख्या को पलटते हैं तो वहाँ पर जो भाग होता है वो गुणा में चेंज हो जाता है, यानी कि 72 इंटू इसको पलट लेंगे तो ये हो जाएगा 5/36, तो 36 दूनी 72 यानी कि 10 हमारा आंसर आ जाएगा, तो 10 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिव्या अपने मासिक वेतन का यानी कि मंथली इनकम जो उसकी हो रही है उसमें से ये बात चल रही है, 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। इतना खर्च करने के बाद उसके पास जो शेष जो सैलरी बचती है, अब ये बात उसमें से हो रही है, जो शेष सैलरी बची उसमें से शेष सैलरी में से वो 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 रुपये बचे हैं, तो बताइए उसकी मंथली इनकम क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले जो उसकी मंथली इनकम है, ठीक है, उसमें से वो 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि कुल मिला के वो यहाँ पर 39% खर्च कर देती है। जब वो 39% खर्च कर देती है तो उसकी मंथली सैलरी में से, तो अब उसके पास कितना बचा, अब उसके पास 61% जो उसकी सैलरी है वो बची हुई है, ठीक है। अब जो उसके पास 61% जो सैलरी बची है, अब उसमें से वो खर्च कर रही है 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर, यानी कि 25 और 20 45%, इसमें से पूरी जो मंथली सैलरी थी उसमें से नहीं, जो 100% सैलरी मंथली उसमें से नहीं, जो ये 60% उसके पास बची इतना सब कुछ खर्च करने के बाद, उसमें से उसने 45% खर्च कर दिया, यानी कि अब उसके पास 55% इसमें से, इस वाली सैलरी में से 55% उसके पास बचा हुआ है, और वो 55% किसके बराबर है, 10,736 के बराबर है। यानी कि अब हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि जो 61% है जो उसके पास बचा था ये वाला खर्च करने के बाद, वो उसके पास कितने रुपए बचे थे, यानी कि तो हम कर लेंगे 10,736 डिवाइडेड बाई 55, उसके पास 55% बचा हुआ है इंटू में 100, ठीक है, तो ये 11 से हमारा कट जाएगा, 11 5 55, और ये हो जाएगा 11 निम्न 99, और ये 8 11 77
और 11 6 66, ठीक है। तो यहाँ से आया 976/5 × 100, इसको भी काट लेते हैं, 5 एकम 5, और ये हमारे 45 दो बचेंगे, और ये तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ₹19,520। यानी कि उसके पास जो 61% जो सैलरी बची है वो किसके बराबर हो गई, ₹19,520 की। तो ₹19,520 उसकी 61% है, हमें तो उसकी मंथली सैलरी पता करनी है ना। तो जो 61% है वो अब ₹19,520 के बराबर है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 19,520/61×100, यहाँ से हम पता चल जाएगी कि उसकी जो मंथली सैलरी है वो क्या है। तो ये 61 से काट देंगे, यहाँ से हमारा कट जाएगा ये 320 बार, यानी कि 320 × 100 यानी कि ₹32,000। तो ₹32,000 उसकी क्या आ गई, मंथली सैलरी आ गई, यानी कि ₹32,000 वो महीने पे अपने कमा रही है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है, ₹32,000, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैथ के 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे और वो हमने कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।